सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 2022 टैंडिंग सॉन्ग द पार्ट ऑफ स्टेटस। हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक नई तरीके का एडिटिंग सीखने वाले हैं। प्रीव्यू तो आपने देखा ही होगा। इस तरीके का आप ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो हैप्पी न्यू ईयर वाली, तो कैसे बना सकते हो वो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये जो लाइट मोशन एप्लीकेशन है इसे ओपन कर लेना है। ओपन करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर नीचे प्रोजेक्ट मिल जाएगा, इसमें चले जाना। उसके बाद ये जो बीट मार्क वाली प्रोजेक्ट होगी यहाँ पर मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है। उसके बाद प्लस पे चले जाना है मीडिया में, और यहाँ पर से देखिए ये जो बॉक्सेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। ये वाली जो आपकी ऑप्शन होगी यहाँ पर देखिए आपको ऊपर ऑल वाली एक ऑप्शन शो हो जाएगी, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर से ये जो ब्लैक स्क्रीन वाली जो टेम्पलेट होगी इसे ले लेना है, ये वाली जो लिरिक्स वाली। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको प्लस पे क्लिक कर देनी, तो ये वाली जो लिरिक्स होगी यहाँ पर ऐड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट बीट मार्क पे आ जाना है, प्लस पे चले जाना है मीडिया में, और यहाँ पर से ये जो बॉक्स होगी इस पर क्लिक कर देनी है, और यहाँ पर से आपको कुछ फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं फ़ोटो सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट बिट मार्क पे आ जाना है। उसके बाद ये जो फोटो वाली ऑप्शन है इस पर क्लिक करके ट्रिम कर देना है। अगर ये फ़ोटो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं होगी तो यहाँ पे थ्री डॉट्स पे चले जाइए और फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे क्लिक कर दीजिए, जो आपकी फ़ोटो होगी वो प्रॉपरली एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर देखिए आपको कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ ऐड कर ली हूँ, तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। अब इन फ़ोटोज़ में शेक वाली इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ पर आपको बैक चले जाना, शेक वाली प्रोजेक्ट ओपन कर लेनी, और ये जो फर्स्ट वाली शेक इफेक्ट है इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो ये वाली जो शेक इफेक्ट है इसे कॉपी करने के लिए आपको फ़ोटो पे क्लिक कर देनी है, इफेक्ट्स पे जाना है थ्री डॉट पे और कॉपी इफेक्ट्स कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक चले जाना और अभी जो वीडियो बना रहे थे इसे ओपन कर लेना, और यहाँ पर देखिए आपके वीडियो में फ़ोटोज़ का इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको तीन यहाँ पर छोटे फ़ोटोज़ हो जाते हैं, उसके बाद ये एक बड़ी। इसी तरीके से यहाँ पर आपको फ़ोटोज़ का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके जितने भी छोटे फ़ोटोज़ होंगे उसमें एक अलग बीट होगी, तो यहाँ पर ये जो छोटे फ़ोटोज़ है जो तीन तीन मिडिल में, उसमें जो फर्स्ट वाली शेक इफेक्ट है वो आ जाएगी। उसके लिए आपको सिंपली फ़ोटो पे क्लिक कर देनी है, इफेक्ट्स पे जाना थ्री डॉट पे और पेस्ट कर देना। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए मैं जो छोटे फ़ोटोज़ है उसमें ये वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने जो मिडिल में ये बड़ी वाली फ़ोटोज़ जो छोड़े हैं उसमें एक अलग शेक इफेक्ट आ जाएगी। उसके लिए यहाँ पर देखिए आपको बैक चले जाना है, शेक वाली प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना, और ये जो सेकंड वाली शेक इफेक्ट है इसे कॉपी कर लेना है, फ़ोटो पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद इफेक्ट्स पे चले जाना है थ्री डॉट पे और कॉपी इफेक्ट्स कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको बैक चले जाना, और अभी जो वीडियो बना रहे थे इसमें यहाँ पर हमने मिडिल में जो फ़ोटोज छोड़े थे उसमें ये जो सेकंड वाली शेक इफेक्ट है वो ही आ जाएगी। उसके लिए यहाँ पर आपको फ़ोटो पे क्लिक कर देनी है, इफेक्ट्स पे जाना है थ्री डॉट पे और पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैं इसी तरीके से यहाँ पर जो सभी बड़े फ़ोटोज़ हैं उसमें ये वाले इफेक्ट को पेस्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है वो बन के तैयार हो चुकी है। मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाती हूँ, तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो तो आप बहुत आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।